फाइनली यजूज मजूज की वॉर शुरू हो ही गई। आर्मागेडोन तो शुरू हो गई थी, और जो मुझे फॉलो करते हैं न्यू महाभारत बाय कल्कि, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरे बहुत सारे इंस्टाग्राम आईडीज में से एक है जिसके ऊपर मैंने बताया कि न्यू महाभारत शुरू हो चुकी है, विच इज़ आर्मागेडोन। कब हुई थी ये? ये अभी पीछे जब इसराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक किया था, तो उसका जो मिनिस्टर है नेतन्याहू के बाद जो बनाया, अभी मुझे उसका नाम भूल गया, उसने वही सेम शब्द बोले जो दुर्योधन ने पांडवों को बोले थे कि मैं रत्ती भर भी तुझे लैंड नहीं दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ बोला था दुर्योधन ने पांडवों को, और भगवान कृष्ण भी वहीं पर ही थे उसी समय, कि मैं इनको एक औंस भी नहीं दूंगा, समथिंग लाइक दैट, रत्ती भर भी नहीं दूंगा। और वही चीज़, हाँ, नेफ्ताली बेनेट जो करंट मिनिस्टर है इसराइल का, उसने यही पैलेस्टाइनियों के बारे में, फिलिस्तीनियों के बारे में बोली कि मैं इन फिलिस्तीनियों को एक इंच भी लैंड नहीं दूंगा। सेम शब्द रिपीट हुए, तो उस चीज़ ने सील करवा दिया कि आर्मगेडॉन, क्योंकि बाबा जी ने बोला था भाइयों के बीच में होएगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इसराइल पैलेस्टाइन, और ये आपका जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। और मैंने, मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें चाइना वाले ही बोल रहे थे कि अभी चाइना ताइवान में शुरू होगा, तो रशिया यूएस से पंगे ले रहे हैं। एनीवेज, तो ये वॉर आर्मागेडोन तो शुरू हो ही गई थी, और वही वही वॉर है एंटी क्राइस्ट की भी। एंटी क्राइस्ट नज़र नहीं आएगा, एंटी क्राइस्ट की भी वॉर है जो बाबा जी ने बोली थी, सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट के द्वारा लड़ी जाएगी। तो हमस के ऊपर जो अटैक किया था इसराइल ने, जो पैलेस्टाइन का जो पूरा अटैक हुआ है, इसमें ही यही यूज़ किया, सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट। तो वही एंटी क्राइस्ट की वॉर थी, और वो प्रोफेसी फुलफिल हो गई। ये बहुत शान शान सा लग रहा है, आपको नहीं पता कि कैसे इंटरगैलेक्टिक वॉर हो रही है, महाभारत हो रही है। यही डिसेप्शन है कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था, जैसे उनके समय में, कि जब जब उनको इस्लाम मिला था, जब वो आए थे तो नाच गाना हो रहा था, रंडीबाजी, अभी भी वही हो रहा है, नाचना गाना, रील्स बना रहे, ये रंडीबाजी हो रही है। तो यही दिखाता है, जब अंत के बारे में पता ना हो, कहते हैं सबसे बड़ी डिसेप्शन शैतान की यही है कि वो कन्विंस कर देगा कि वो है ही नहीं है, वो आपके सामने है, आपको नजर नहीं आ रहा, सब कुछ आपके सामने है। यजूज मजूज की प्रोफेसी फुलफिल हो गई, कह रहे थे जब ईसा मसीह होंगे तभी फुलफिल होगी। ईसा मसीह भी हैं, और यजूज मजूज की प्रोफेसी भी फुलफिल हो गई है। यजूज मजूज, आर्क ऑफ नोआ, लैंडिंग इन तिब्बत, मेरी बुक में सब बताया गया है कि क्या है। तो कट शॉर्ट करते हैं और बताते हैं कि 2015 में एक अपोकलिप्टिक वेपन है, आर्क ऑफ गैब्रियल। मेरे गुरुजी आलिम बाबा महावतार बाबा जी ने बोला था कि जिसके पास वो आ गया, वो सबसे पावरफुल नेशन बन जाएगा। तो बहुत बार ये वीडियो शेयर किया मेरे पुराने यूट्यूब्स के अंदर, जो बहुत बार डिलीट कर दिया गया, और अब मेरे रेप्टिलियन इल्यूमिनाटी टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो भी है जिसमें पूरा बताया गया है कि 2015 में जो मक्का का स्टैम्पीड हुआ था, वो स्टैम्पीड किसकी वजह से हुआ और क्या हुआ था, जब काफ़ी सारे मुस्लिमों की मौत हुई, जब वो शैतान के ऊपर वो पत्थर फेंक रहे थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ये आर्क ऑफ गैब्रियल, एंजल जिब्रील, प्रॉफिट एंजल जिब्रील जो लॉर्ड विष्णु हैं, एंजल गैब्रियल, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को एक आर्क दी थी, क्योंकि वो एंड टाइम्स अवतार है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आर्क दी थी, और ये बोला था कि इसको एक ऐसी जगह पे छुपा दे जो क्रिएशन से पहले की जगह हो, जहाँ पे एंजल्स वर्शिप करती हों। तो वो जगह है काबा शिवलिंगम, मक्केश्वर महादेव, जिसका नाम था धरती का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट शिवलिंगम ऑफ द वर्ल्ड। फिजिकल फिजिकल बात हो रही है कि फिजिकल द बिगेस्ट शिवलिंगम ऑफ द वर्ल्ड इज इन सऊदी अरेबिया मक्का, जिसका नाम पहले था मक्केश्वर महादेव। ये क्रिएशन से पहले का स्पॉट है, और ये किस उससे बना है, ये हेवन की मिट्टी से बना हुआ है, ये हेवन की मिट्टी से बना है, उसी मिट्टी से जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी भी बनी थी, इसलिए वो कहीं और डीमटेरियलाइज नहीं हो सकती थी, यहीं पे डीमटेरियलाइज हो सकती थी। ठीक है, तो वहीं पे आर्क दबा दी गई प्रॉफिट मोहम्मद ने, और विष्णु जी ने बोला प्रॉफिट मोहम्मद को कि आप ये आर्क इसमें दबा दो जो क्रिएशन से पहले की जगह है, जहाँ पे एंजल्स वर्शिप करती हैं, और ये डूम्स डे पे ही निकलेगी, ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक अंत नहीं होगा, एंड ऑफ द डेज नहीं होंगे। तो 2015 में ये आर्क रशिया की मदद से सऊदी अरेबिया से मक्का से निकाल ली गई,
और ये अब आर्क ऑफ कवनेंट, आर्क ऑफ गैब्रियल जिसको कहते हैं एंशियंट अपोकलिप्टिक वेपन, और जिस देश के पास होगा वो सबसे पावरफुल हो जाएगा। वो रशिया ने निकाल ली थी 2015 में, और अब ये अंटार्कटिका में है। ये पूरा वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बस यही सत्य है कि ये अंत है जिसका मुझे बहुत समय से प्रतीक्षा थी। इस अंत की, ये अंत आ गया है, और अब मुझे कुछ नहीं करना, बस सबका विनाश विटनेस करना है। मेरा बदला तुम सबके विनाश में है। ओम नमः शिवाय, अल्लाह हू अकबर।